चंडीगढ़ ईद का वड्डा एक्शन, पंजाब के वड्डे आईएएस अधिकारी की रिहायश से रेड, मोहाली दे विच भी हो रही छापेमारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडर के घर ईडी की रेड, दीपक सिंगला के घर च हो रही छापेमारी। दिल्ली के विश्वास नगर तो लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गुरुद्वारा साहब के बाहर धमाका, गुरुद्वारे दारी कंधा पहुंचे नुकसान, इलाके दहशत का माहौल, पुलिस फौज ने सांभिया मोर्चा। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वड्डा बयान, बोले जम्मू कश्मीर तो अफसपा हटाने से कर रहे हैं विचार, कानून व्यवस्था पुलिस को देने किया जा रहा है विचार। अयोध्या राम मंदिर कंपलैक्स के गोली चलन के मचिया हड़कंप, AK-47 साफ करद सुरक्षा के तैनात जवान लगी गोली, इलाज के लिए लखनऊ किया गया रैफर। ईडी रेड के दौरान वॉशिंग मशीन चो मिलिया करोड़ों का कैश, कई शहरों के मशहूर शिपिंग कंपनी के ठिकाण से की रेड, 2,54,00,000 रुपए किए जब्त। केजरीवाल की पटीशन से दिल्ली हाईकोर्ट के अज अहम सुनवाई, केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती, कल तक ईडी की हिरासत के ने सीएम केजरीवाल, अज 12 बजे सुनीता केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईपीएस सदानंद बसंत होंगे एनआईए के अगले डीजी, महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के अधिकारी ने बसंत 31 मार्च को रिटायर हो रहे ने मौजूदा डीजी दिनकर गुप्ता। हुण खबरां विस्तार दे नाल, बिहार तो खबर आ रही है, वड्डी खबर है, बिहार के आरा दे विच ट्रेन नूं अग लगी है, लोकमान्या तिलक स्पैशल ट्रेन के एसी डब्बे दे विच अग भड़की है और कई मुसाफरों ने दस दी कि छाल मार के जान बचाई है। रात करीब 2 बजे दी इह घटना है, 2 बजे अचानक शॉर्ट सर्कट होया, ट्रेन तो तुरंत डब्बे नूं अलग किया गया, ट्रेन का डब्बा पूरी तरह दे नाल सड़ चुका है। यह तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साफ तौर पर वेख्या जा सकता है किस तरीके की भयानक अग जी है वो लगी है और बिल्कुल ये तस्वीर जड़ियां ने बयान कर दिया ने किस किस्म का यह हादसा वापर है। तो हौली करके ट्रेन के मुसाफरों की गिनती जी है हौली करके ट्रेन के मुसाफरों की गिनती काफी घट सी, फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, यह बेहद वड्डी बचाव वाली खबर है। पर जो तस्वीर ने तस्वीर वेख के असं कह सकते हाँ कि एकदम तो एक बहुत वड्डा हादसा वापरदा नजर आता है, पर अजिहा नहीं है क्योंकि हौली करके जी घट गिनती मुसाफरों की, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिता। किस तरीके तू करके ट्रेन बढ़ रही है साफ तौर पर वेख्या जा सकता है, पूरी तरह के डब्बा जिहड़ा है ट्रेन का सड़ के सुआह हो चुका है, हालांकि इसे वख किया गया मौके से, एकदम तो यह मौका सांभिया गया है, शॉर्ट सर्कट वजह दसी जा रही है, शॉर्ट सर्कट की वजह यह वड्डा हादसा वापरिया, भयानक हादसा वापर सकता है, पर कितना कितने जानी नुकसान तो बचा रहा है क्योंकि होली करके जी लोगों की गिनती है सवारियों की गिनती है घट सी, तो जिसके करके बहुत वड्डा हादसा हुण जरूर बच गया है। पर देखा जा सकता है कि किवें बिहार दे विच ए ट्रेन नूं भयानक अग लगी है, ट्रेन का यह डब्बा जिहड़ा पूरी तरह दे नाल सड़ के सुआह हो चुकिया है, भयानक अग जिहड़ी है इत्थे लगी हुई नजर आ रही है। अगे वधांगे सियासत दा जिक्र करांगे, तां बीजेपी दे विच शामिल होए ने रवनीत बिट्टू, उन्हां ते कांग्रेसी वरदे होए नजर आ रहे ने, तां दल बदलूआं नूं जनता माफ नहीं करेगी, राजा वड़िंग दे वल्लों इह तंज कसिया गया, इह बयान दित्ता गया और नाल ही वड़िंग ने कहा कि पार्टी दे नुकसान दे नालों बिट्टू दा वड्डा नुकसान होया और बिट्टू दे परिवार नूं कांग्रेस ने बहुत कुछ दिता, वड़िंगे भी दावा कर रहे ने, तां बेअंत सिंह नूं मुख्यमंत्री बनाया गया, रवनीत बिट्टू एंटी सिख चेहरा ने प्रताप बाजवा ने कहा है, तो बाजवा ने भी कहा कि बिट्टू बीजेपी नूं होर नुकसान पहुंचावेगा, तो बिट्टू 2,00,000 वोटा तो हार रहा सी, साडा तां काम होर सौखा कर दिता, बाजवा भी कह रहे ने। तो कल कांग्रेस छड़ के दस दी कि बीजेपी दे विच शामिल होए ने रवनीत बिट्टू और बीजेपी दे विच मौका देण दे लई पीएम गृह मंत्री जी दा धन्नवाद किया, 10 साल तो उन्हें कहा रवनीत बिट्टू ने कि मेरे गृह मंत्री दे नाल गूढ़े संबंध ने, पंजाब की सियासत विचला गैप भरांगे और लुधियाना तो ही उन्होंने कहा कि चोण लड़ी जाए। आप जो है पीएम की नीतियों का विरोध करते थे, अब पीएम के पक्ष में रहेंगे? नहीं,
मैंने तो सिर्फ किसान जो बिल आया था, मैं ही, आपको याद है पहला स्पीकर मैं ही था उसके उस वक्त जब बोल रहा था पार्लियामेंट में, तो वो उन्होंने वापस लिया। और उस टाइम क्या था, जो अकाली दल सहयोग में मंत्री थे उन्होंने गमरा कोई ऐसी चीज करके भी नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, हम बिल्कुल आप बिल लेके आओ, तो उसके बाद वो बैकफुट पे हो गए। पर लेकिन अब हमारी इसी मुद्दों पे बातचीत, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो चाहे एचएम साहब हो, जो लगातार मेरी उनसे, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध है उनके साथ, तो बातचीत होती रही है। और पंजाब के लिए, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, सबसे अच्छी अच्छी चीजें हैं पंजाब में लेके जाएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और एमपी तो मुझे 3 बार लोगों ने बना ही दिया, तो एमपी बनके वहां पे ऑपोजिशन में बैठ के वो क्या फायदा। तो लोग कुछ वहां पे चाहते भी हैं ना, डेवलपमेंट, जब बड़े प्रोजेक्ट आए, जो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है उसे कैसे ड्रग्स से निकालना है, कैसे किसानों को खुशहाल करना है, वो काम करेंगे। सर अगर हम बात करें, सर मैं अभी भी किसानों के कई मुद्दे हैं उसको लेकर के किसान जो है पंजाब में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इसे भी सोल्व आप कर सकेंगे? मैंने कहा जी 100%, किसान कौन है, हम किसान है, किसान हमारा है, अगर उनसे कोई बात करेगा, उनकी कोई बात पॉजिटिव पचाएगा तभी होती है ना ये चीजें, कुछ रिश्ते बनेंगे, संबंध हो, हमारे संबंध है इनके साथ, पार्टी से पहले भी संबंध थे, अब भी संबंध है। और लोग देखेंगे आगे जब ये रिजल्ट आएगा जून 4 के बाद में, पंजाब के लिए सबसे बड़ा हिस्सा चीजों का हमें मिलेगा, मैं ये विश्वास, और मेरी बातचीत होके हमने एंट्री की है। सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, लुधियाना से ही चुनाव लड़ेंगे? 100% लुधियाना से, और पंजाबी भागता थोड़ी है कभी, पंजाब में लुधियाना से ही चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ मैं इसलिए पार्टी, मैंने कहा 3 बार मुझे एमपी बनाया उन लोगों ने, कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे, लेकिन जब यहाँ ऑपोजिशन में बैठते थे आके तो सोचते थे यार हमारी भी कभी बारी आ, हम भी कुछ काम कर सके अपने लिए, ये फैसला इसलिए लिया। मेरी गल सुनो, बीजेपी नु मैं पूछना चाहना, बीजेपी नु घट तो घट कोई अपना ते विखा दो, कोई अपना ही ले आओ, जेडे पुराने ने तुहाडे ओ बेचारे डिकी जांदे, साडी वारी कदों आएगी, इन्हां तो लभना की है सानू। वेखो मैं तैनू सही च दसा, परमात्मा ने मेहर कीती, ये 2 लाख वोट तो आ रहा सी, सानू ये परेशानी पई सी कि इहदा करिए की। 3 वार दे एमपी है सर बेअंत सिंह जी, महरूम दा ग्रैंडसन ने, इहनू जवाब किस तरह देईए, इहने साडा काम बड़ा सौखा करता है। कांग्रेस का नवा नुमाइंदा आएगा तो यहां मांझा लाएगा, उतो इनू चंगी तरह निहंगा दे बाटे वर्गा मांझेगा। आप देखना दिन ब दिन जिस प्रकार से बंदा पोच हो रहे हैं, कोई गए हैं, 3 लोग गए हैं भाई, तो जो 3 लोग गए हैं मेरी बात याद रखना, कहीं और से कोई पार्टी जीत जाए ये 3 व्यक्ति नहीं जीतेंगे, ये बात लिख लो मेरी। ऑल द बेस्ट टू बिट्टू जी। इदां दे जिहड़े लोक हैगे आ, चाहे बिट्टू जी ने, क्योंकि बिट्टू जी नूं संघर्ष नहीं करना पिया, मैं समझदा आ कि जिहड़ा जदों कांग्रेस नूं इह वेखणा चाहीदा आ कि जदों भी किसी नूं कुछ देना आ एटलीस्ट उहदी स्कूलिंग होवे, उहदे संघर्ष दा पिछोकड़ होवे। बेअंत सिंह होरां दा परिवार ने तां परिवार अपनी जान दे दित्ती, सरदार बेअंत सिंह दा संघर्ष जिहड़ा हैगा आ उहदा संघर्ष कोई कर सकदा आ, पर पोता जिहड़ा हैगा आ जी उन्हें मौजा माणिया है ने, क्योंकि छोटा सीगा ते चीफ मिनिस्टरियां मिल गई, मिनिस्टरियां मिल गई, उथो मौजा माण दे इधर नू आ गए, संघर्ष ते किते कीता ही नहीं। दसो ना किते कॉलेज च संघर्ष कीता, यूनिवर्सिटी च कीता, किते ब्लॉक च कीता, किते जिले च कीता, उन्हें तो सीधा उस वेले वेख्या जी आओ जी इन यूथ कांग्रेस, साडे भी लीडर ने चुकया जी इन यूथ कांग्रेस का प्रधान। तुहाडी तां लिगेसी बेअंत सिंह दी लिगेसी है, उह कहिंदा उसे लिगेसी नू मैं कायम रख्या ना, क्योंकि उन्होंने पंजाब लई शहादत दित्ती सी, मैं हुण देश लई सोच के फैसला किया, मतलब सारा कुछ करके सारा टब्बर सत्ता का आनंद माण के भुआ जी मंत्री, भरा मंत्री, आप मैंबर पार्लीमेंट, दादा मुख्यमंत्री, तो उदू बाद जब मौका लगे हम किसके और तुम किसके कह के वेले हो। अगे वधांगे तां छत्तीसगढ़ दे साबका सीएम भूपेश बघेल का बैलट पेपर प्लान सामने आया है, तो कांग्रेस वर्करां नूं उन्होंने कहा है कि सारे नामजदगी भरन, जेकर एक सीट से 375 कैंडीडेट ने तो ईवीएम की थां बैलट पेपर के नाल चोण होवेगी, करवानी पवेगी, तो बैलट पेपर के नाल चोण हुई तो कांग्रेस की जित पक्की है, भी वह दावा कर रहे हैं, और सारे जगह जित के कांग्रेस सरकार बनावांगे, तो बैलट पेपर के नाल चोण हुई तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी। भूपेश बघेल खुद भी छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट तो लोकसभा चोण लड़ रहे, तो जिक्रयोग है कि बेहद बार
कांग्रेस दे वलो ज्यादातर ईवीएम नू लेके सवाल खड़े किए जा रहे। पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ भी ये बात आई कि ईवीएम से मतदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट में ये बात है, यदि 374 या 384 प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, वो यहाँ की जनता कर सकती है। 384 लोग फॉर्म भर दिए और नाम वापस नहीं लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन को मत पत्र से चुनाव कराना उसकी बाध्यता हो जाएगी। तो वहाँ तो सभी लोग प्रस्ताव के हम लोग फार्म भरेंगे, 384 से अधिक फार्म भरेंगे, ये बात का प्रस्ताव अभी हुआ है।